व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, आप देख रहे हैं टेक लीनियर। आज की जो हैशटैग न्यूज़ 5 है आपका, उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहले जो लेजेंड्स है, जाकर के जिससे बाद में डिस्टर्बेंस ना हो, जाकर के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल वाले बेल जो आइकन उसको ऑल कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं अगली टेक न्यूज़ लाता हूं आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत ही आपको मिल जाए। तो पहले तो सॉरी यार, आज मैंने टेक न्यूज़ मेरी थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब आजकल जानते जैसे ये मौसम चल रहा है जो है सितंबर अक्टूबर, और जो है ये अभी जैसे कि अगस्त है प्रेजेंट टाइम पे, इसमें वायरल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा खांसी की दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। तो आज की टेक न्यूज़ जल्दी से आपके लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो टेक न्यूज़ है वो आपकी तरफ से ऑनर की तरफ से मैं लेकर के आया हूँ। ऑनर का जो ईयरबड 2 लाइट है वो अपना जो है TWS एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ लेकर के आया है। ईयरबड आपके लिए जो जो है आपके ईयर्स में लगेंगे जो है, और उसने दावा किया है कि ये 32 आवर्स का जो है इसमें आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ में इसमें जो अभी ये यूरोप में जो लॉन्च हुआ है 15 डेज के अंदर इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इसकी अभी जो प्राइसिंग बताई जा रही है यूरो के हिसाब से आपको 70 यूरो रुपीज़ का आपको ये मिलने वाला है। तो देखते हैं इंडिया में आते हैं तो ये रुपीज़ कहीं 70 से 100 यूरो तक का ना हो जाए, मतलब अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 7,000 to 8,000 rupees का हो सकता है मे बी। तो और अगली जो टेक न्यूज़ की तरफ अपने बढ़ते हैं, सबसे पहले जो दूसरी टेक न्यूज़ है वो है रियलमी की तरफ से है। रियलमी का जो नॉर्जो 30 जो 5G मोबाइल है उनके लिए खुशखबरी है कि उनको एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला, और साथ ही साथ में जो रियलमी UI 2.0 का 2 अपडेट उनके लिए आने वाले हैं। तो देखते हैं ये अपडेट्स में जो है, जो रियलमी UI जिसके जिसके पास ये स्मार्टफोन है वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताए, या आपके पास ये स्मार्टफोन है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताए, देखते पता करते किसके पास ये स्मार्टफोन है। अगली जो टेक न्यूज़ है वो आपकी तरफ से OnePlus 9 Pro की तरफ से है आपके लिए टेक न्यूज़। जैसे कि आपको पता है जो न्यू ने OnePlus 9 Pro खरीदा है, और खासकर जो भी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अभी OnePlus 9 Pro 3 कलर्स आपके लिए आया था। पहला था मॉर्निंग मिंट, और दूसरा था आपके लिए पाइन ग्रीन, और तीसरा था स्टीलर ब्लैक टाइप का। मतलब आपको कुल मिलाकर ये 3 जो है स्मार्टफोन के कलर्स आपके लिए मिलते थे। अब बिल्कुल एक व्हाइट कलर का स्मार्टफोन आपको, जैसे कि आप जो है इमेज में देख सकते हैं, व्हाइट कलर का एक स्मार्टफोन लेकर के आया है OnePlus जो है 9 Pro, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन ये OnePlus ने कंफर्म नहीं किया कि ये मार्केट में सारी पब्लिक के लिए आने वाला कि नहीं आने वाला, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मुझे खासकर बताइए कि आपको इसमें से जो 4 कलर अगर ये आते हैं तो उसमें से आप व्हाइट कलर जो नया आया वो लेना पसंद करेंगे, या जो 3 कलर जो पहले से उसमें से आपको कलर लेना पसंद करेंगे। और अगली जो टेक न्यूज़ आपकी तरफ से है वो पोको की तरफ से, जो पोको C3 जो स्मार्टफोन मिड रेंज स्मार्टफोन था, जो स्मार्टफोन इंडिया में जो लॉन्च हुआ था, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया में उसने अभी तक 2 मिलियन मोबाइल्स बेच दिए हैं। 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख मोबाइल इसने खाली बेच दिए पोको C3 1 ईयर के अंदर, मतलब इतने ज़्यादा स्मार्टफोन इसने इंडिया में बेच दिए हैं कि हद नहीं। और साथ ही साथ में बेचते मुझे यार गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको जैसे बताया फैन के बिना यार मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जो है, और आगे जाके आपको पता है क्या करना है। अगली जो टेक न्यूज़ आपको मैं खास कर बता दूँ, ये नॉलेज टाइप की टेक न्यूज़ आपके लिए, खासकर जो सैमसंग गैलेक्सी जो S21 जो सीरीज़ थी वो बताया जा रहा है, जो S20 जो सीरीज़ आई थी इंडिया में, जो S10 सीरीज़ आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम इसकी जो है सेल हुई है इंडिया में इसका खासकर। इसका मुझे नहीं पता, खासकर कोरोना की वजह से भी ऐसा कुछ कारण हो सकता है, या फिर मतलब कोरोना की वजह से मैं कैसे इतना खराब नहीं था, क्योंकि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मतलब आपका वो जो है 70-80,000 के ऊपर की फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो मेरे ख्याल से उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए इस स्मार्टफोन में। लेकिन जो भी हो, S20 सीरीज़ लोगों ने ज़्यादा पसंद करी, S10 सीरीज भी ज़्यादा पसंद करी, लेकिन क्या रीज़न रहा होगा मुझे, आप लोगों को अगर कोई रीज़न पता है तो मुझे जरूर बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसीलिए S21 सीरीज़ कम बिकी, और अब LG की अगली जो है, आपको जैसे कि पता है LG ने अपने स्मार्टफोन बनाना तो बंद कर दिया है इंडिया में, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन अब वो लैपटॉप की ओर कूद पड़ा है। LG का जो है लाइट ग्राम लैपटॉप है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है वो, और इसकी जो प्राइसिंग बता दे रही, स्टार्टिंग प्राइस इसकी 74,990 rupees का आएगा, मतलब लगभग 75,000 rupees का आपका होगा। और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है आपको 11th जनरेशन के इसमें प्रोसेसर मिलेगा, और इंटेल का टाइगर प्रोसेसर मिलेगा, और मुझे अभी तो नहीं पता है इंटेल का टाइगर प्रोसेसर क्या है, अभी मैं इसके बारे में आगे रिसर्च और देखी जा रही है इसके बारे में और क्या क्या होगा, और किसी को अगर पता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और आप खासकर आपको इसलिए बताओ, आज की टेक न्यूज़ थोड़ी सी छोटी होगी आपके लिए, क्योंकि आज यार ऐसे आपको पता है टेक न्यूज़ वैसे भी लेट हो गई है, इसलिए थोड़ी सी छोटी टेक न्यूज़ आपके लिए बना रहा हूं जल्दी से, जिससे आपको टेक न्यूज़ मिल जाए। अगली जो टेक न्यूज़ है आपकी तरफ से वो Xiaomi की तरफ से है। Xiaomi का जो Mi TV आपके लिए लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है Xiaomi Mi TV 4C के नाम से आया है ये इंडिया में। इसकी जो प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइसिंग 15,999 है, 32 इंच का ये स्मार्ट टीवी है आपके लिए, और मतलब 16,000 rupees का आपको ये पड़ेगा। इसमें आपको क्रोम कास्ट, गूगल असिस्टेंट, और साथ ही साथ में इसमें आपको
10 वॉट का डुअल स्पीकर आपको साथ ही साथ में इसमें मिलने वाले हैं। और अगली जो टेक्नोलॉजी आपके तरफ से वो है आसूस के जेन 4 की तरफ से, आसूस जेन 4 जो 7 और 7 प्रो जिनका स्मार्टफोन है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको जो है एंड्रॉयड 12 का जो है अपडेट मिलने वाला है। और साथ ही साथ में इसमें आपको जो है वन हैंड मोड मिलने वाला है। एंड्रॉयड 12 का अपडेट अभी तक मतलब समझ लीजिए बहुत कम लोगों को भी एंड्रॉयड 12 ही नहीं मिला, इनको एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलने वाला है। और उसके बाद सबसे बढ़िया न्यूज़ जो आखिरी टेक्नोलॉजी आपके लिए वो है फिलिप्स की तरफ से है। फिलिप्स ने अपने TWS जो है अपने जो है स्मार्ट ईयरबड्स लॉन्च कर दी है इंडिया में, जिसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग अभी बताई जा रही है 4,990 मतलब 5,000 रुपीज़ का आपको मिलेगा। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होगा इसमें, IPX4 के इसमें रेटिंग होगी, वाटर प्रूफिंग रेटिंग इतनी मिलेगी, लेकिन खुद सीटें सह जाएगा। और साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि इसमें जो बैटरी प्लेबैक टाइम है वो 20 आवर्स प्लस होगा। अब देखते हैं इंडिया में किस तरीके से कैसे कैसे और क्या क्या फीचर्स के साथ आता है, अभी पूरी पूरी इसकी जो है स्पेसिफिकेशन अभी जो है फिलिप्स नहीं बताया है, सेल्स के टाइम में पता चलेगा कि और क्या स्पेसिफिकेशन इसकी है। तो इसी तरीके से आज की टेक न्यूज़ होती है #5 खत्म, और अगली टेक न्यूज़ आपके लिए #6 आपके लिए कल मैं आपके लिए मिलता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइए आपका कोई मैंने जैसे कि मैं बोलता हूँ आपका कोई क्वेश्चन है मुझे जरूर बताइए, मैं अगली टेक न्यूज़ या अगली कोई वीडियो होगी उसमें जरूर आपका क्वेश्चन मैं पुटअप जरूर करूँगा। और कुछ इसी तरीके से मेरी वीडियो अच्छी लगती है यार वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे जैसे मैं अगली टेक न्यूज़ लाता हूँ आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत ही आपको मिल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।